सबसे पहला आसन जो हम अभ्यास कर रहे हैं आज, उसका नाम है त्रिकोण आसन। तो किस तरीके से अभ्यास करेंगे, दोनों पैरों के बीच में आप 3 फीट का फासला करें, 3 से 3.5 फीट का। ऐसे दोनों पैरों को एक दूसरे से दूर कर लिया, राइट पैर के पंजे को राइट साइड ऐसे घुमा दें बाहर की तरफ, और लेफ्ट पैर के पंजे को हल्का सा अंदर की तरफ, अंदर की तरफ रखें। ऐसे दोनों हाथों को टी की पोजीशन पे लेके आएं, ऐसे कंधे के लेवल तक दोनों हाथों को, और दोनों हाथ की हथेलियां फ्लोर की तरफ। अब चूंकि अभ्यास पहले राइट साइड अभ्यास करेंगे, तो ऐसा महसूस करें कि आपको राइट साइड से कोई खींच रहा है, और जब आप ये अभ्यास करेंगे तो देखेंगे कि आप सामने से नहीं झुकेंगे, पूरी साइड मसल्स पर खिंचाव आएगा। सांस लें और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे। अब अगर आपका हाथ बहुत नीचे ना पहुंच पाए तो घुटने के नीचे रखें या घुटने के ऊपर रखें, घुटने पर बिल्कुल भी ना रखें। और अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी आपको अलाउ करे तो आप अपने पैर की एंकल को पकड़ लें और आप फ्लोर की तरफ देखें। शुरू शुरू में आप फ्लोर की तरफ देखें, जब बैलेंस आपका ना बने, अगर बैलेंस बन जाए तो छत की तरफ देखें, दोनों ऑप्शन हैं आपके पास। तो इनिशियली एज अ बिगनर आप फ्लोर की तरफ देखें। त्रिकोण आसन यानी ट्रायंगल पोज का अभ्यास निरंतर करते रहने से ये हमारी लोअर बॉडी यानी कमर के नीचे पैरों को बहुत गजब की मजबूती प्रदान करते हैं। इसका अभ्यास निरंतर करना चाहिए। वापस से सांस लें, सेंटर आ जाएं। अब राइट पैर के पंजे को अंदर की तरफ करें, लेफ्ट पैर के पंजे को ऐसे बाहर की तरफ, घुटना बिल्कुल भी ना मुड़ने पाए ये ध्यान रखिएगा। टी की पोजीशन पे लेके आए, सांस लिया, एकदम कॉन्फिडेंस महसूस कीजिए, और सांस छोड़ते हुए पहले लेफ्ट साइड हल्का सा ऐसे झुकाव लाइए, और धीरे 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 अपने लेफ्ट पैर की या तो एंकल को पकड़ें, अगर बहुत नीचे नहीं झुक सकते हैं तो ऐसे थाई पर हाथ रखें, ऐसे, या अपने घुटने के नीचे, घुटने पर बिल्कुल भी ना रखें, घुटने पर जोर ना डालें, ऐसे। त्रिकोण आसन का अभ्यास आपको राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ 3-3 बार करना है, और आप जितनी देर तक इस पोस्चर को आराम से रोक के रख सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, उतनी देर होल्ड करके रखना है, मिनिमम 10 से 15 सेकंड जरूर करें। दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरी ऑनलाइन योगा क्लासेस में। इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को सुबह 7 बजे से 8 बजे जूम के माध्यम से कंडक्ट किया जाता है। तो डजन मैटर आप देश और दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, आप इन ऑनलाइन योगा क्लासेस से जुड़ सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्थ कंडीशन है तो वो आपको सबसे पहले डिस्कस करना है क्लास ज्वाइन करने से पहले। आज इन ऑनलाइन योगा क्लासेस के माध्यम से मैं देश और दुनिया के बहुत से स्टूडेंट्स के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड हूँ, और उनको उनकी हेल्थ कंडीशन से उभरने में मदद करती हूँ। अब वो हेल्थ कंडीशन चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे थायराइड हो, हाइपरटेंशन हो, कार्डियक कंडीशन हो, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो, ओबेसिटी की समस्या, इनफर्टिलिटी की समस्या, पीरियड्स की समस्या, मीनोपॉज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हॉर्मोन्स बहुत फ्लक्चुएट होते हैं, PCOD PCOS की समस्या, इरेगुलर पीरियड्स की समस्या, इन सारी समस्याओं से उभरने में योग आपको बहुत मदद करता है। अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग मेडिकेशन है उसके साथ योग का अभ्यास करें, आप देखें कितनी आपको बहुत अच्छी तरीके से पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। अगर आप ये क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकते हैं सुबह 7 से 8, तो मैंने कुछ कोर्सेज डेवलप किए हैं बिगनर्स के लिए जो कि बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होंगे। इन कोर्सेज की जो जानकारी है मेरी वेबसाइट पर जाके आपको मिल जाएगी। इन कोर्सेज की सबसे अच्छी बात यह है कि आपके ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आपको किस वक्त ज्वाइन करना है। जब भी आपको वक्त मिले, इन कोर्सेज को परचेस करने के बाद आप अपना लॉगिन करें आईडी और पासवर्ड डाल के, और इन कोर्सेज को आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं और अपने कंफर्ट के हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं। जब इन कोर्सेज को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको कोर्स के कंप्लीशन का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ये सारी जानकारी आपको मेरे वेबसाइट जो कि www.yogawithshahida.com है वहाँ पर मिल जाएगी, या कि आप एक व्हाट्सएप कर देते हैं तो मेरी टीम के द्वारा, जो ये नीचे नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर आपको पूरी की पूरी जानकारी मेरी टीम के द्वारा दे दी जाएगी। यह अभ्यास इतना ज़्यादा बेहतरीन है कि इससे आपकी लोअर बैक, आपकी पूरी की पूरी लोअर बैक को मजबूती मिलेगी, पूरे के पूरे बेली को बहुत अच्छा मसाज मिलेगा। साथ ही ये वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस है आपके जननांगों को स्वस्थ रखने के लिए। साथ ही फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप होगी आपके पूरे के पूरे हैमस्ट्रिंग्स पर, जब बहुत अच्छा खिंचाव मिलेगा ऐसे, और साथ ही इनर थाइस पर भी इसका बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है। तो दोनों पैर के पंजों को एक दूसरे से दूर कर लें। अगर आप इतना ज़्यादा दूर करके नहीं रख सकते कोई बात नहीं, आपकी जितनी फ्लेक्सिबिलिटी हो
पूरे अभ्यास के दौरान आप पे किसी भी तरीके का कोई भी प्रेशर नहीं है कि जैसे एग्जैक्टली मैंने किया है उसी तरीके से आप करें। हो सकता है कि मैंने जो ये अभ्यास है कुछ वक्त थोड़ा पहले अभ्यास शुरू कर दिया, कुछ और मेहनत की, तो उसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी डेवलप हो गई है। आप भी अभ्यास करेंगे, आपकी भी फ्लेक्सिबिलिटी ऐसे ही डेवलप हो जाएगी। यकीन मानिए, दोनों हाथ की हथेलियों को एक दूसरे के साथ ऐसे जोड़ें और दोनों हाथ की उंगलियों को ऐसे एक दूसरे के साथ फंसा लें। अब क्या करें कि दोनों हाथों को ऐसे राइट पैर की तरफ ऐसे मोड़ दें, एल्बो को मत ऐसे झुकाइएगा, नहीं बेंड मत कीजिएगा, सीधा रखिएगा। सांस लीजिए, थोड़ा सा पीछे की तरफ झुक जाइए और सांस छोड़ते हुए जैसे चक्की चलाती थे ना पहले औरतें आटा पीसने के लिए, उसी तरीके से सांस लीजिए, पीछे की तरफ पूरा झुकिए ताकि स्पाइनल कॉर्ड को लेंथनिंग हो, और सांस छोड़ते हुए ऐसे 10 बार करेंगे राइट से लेफ्ट, 2, 3। चक्की चालन आसन का अभ्यास जब हम निरंतर करते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि हमारे जननांगों के आसपास ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है, पूरी पेल्विक रीजन के आसपास ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है, और इससे पूरी के पूरे पैरों पर जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो तनाव है, वो कम होता है। इसका अभ्यास आपको 3 बार करना है और हर 3 बार में 10-10 के रिपीटेशन दोनों साइड करने हैं, राइट और लेफ्ट दोनों तरफ। पैरों को एक दूसरे से दूर किया, सांस लिया, थोड़ा पीछे झुक गए, सांस लिया और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट से राइट, 1, 2, देख रहे हैं आप मेरी एल्बो बिल्कुल भी मुड़ी नहीं हुई है, 3 ऐसे, 4 ऐसे, 5 इमेजिन कीजिए एक बड़ी सी जो चक्की है वो आप चला रहे हैं, 6, 7, 8, 9 और 10। बस आप जो अभ्यास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करने के बाद दोनों हाथ की हथेली को वैसे फिर से जोड़ें, और फिर से जोड़ने के बाद क्या करें कि आप अपने राइट हाथ को राइट पैर, दोनों हाथों को राइट पैर की तरफ लेके जाएं और धीरे से ऐसे राइट साइड झुकते हुए होल्ड करें पॉस्चर को, 1, 2, 3, 4, 5। अब दोनों हाथों को लेफ्ट साइड लेके जाएं, होल्ड करें, 5, 4, 3, 2, 1। अब दोनों हाथों को ऐसे बॉडी के सामने रखें और धीरे 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 जितना सामने ऐसे वॉक करके जा सकते हैं वॉक करें और होल्ड करें यहाँ पे कम से कम 10 सेकंड के लिए, ब्रीथ करें। इस आसन का अभ्यास करने से पूरे के पूरे इनर थाइस पर बहुत अच्छा खिंचाव महसूस होता है, पेल्विक रीजन के आसपास ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है, इससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी इम्प्रूव होती है, लेकिन आप जितना सामने झुक सकते हैं सिर्फ उतना ही झुकें, बहुत ज़्यादा खिंचाव ना करें। और दोनों पैर के पंजों को एक दूसरे के साथ जोड़ें और अपने घुटने को मोड़ें और थाई का दबाव पेट पर महसूस करें और ऐसे हग करें ज़ोर से, ऐसे होल्ड करके रखें पॉस्चर को कम से कम 10 सेकेंड, सांसें लेते और छोड़ते रहें, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। अब हमने चक्की चालनासन का अभ्यास कर लिया, अगला पॉस्चर का अभ्यास कर रहे हैं जिसका नाम है जानु शीर्षासन का अभ्यास। बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है लोअर बैक पर बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग लाने के लिए, पेट पर अच्छा दबाव देने के लिए, और ये सारी प्रैक्टिसेस पेट पर दबाव देंगी तो डाइजेशन अच्छा होगा, आपकी इंटरनल ऑर्गन्स को अच्छी मसाज मिलेगी, जननांगों के लिए बहुत अच्छी है चाहे पुरुष हो चाहे महिला। देखिए, कभी भी ये मत सोचिए कि कोई भी अभ्यास स्पेसिफिकली सिर्फ पुरुष कर सकते हैं या महिला कर सकती हैं, एक दो अभ्यास को छोड़कर, लेकिन बाकी ऐसा कोई भी फिल्टर नहीं है कि वो महिला कर सकती हैं पुरुष नहीं कर सकते, तो हर एक अभ्यास दोनों के जननांगों के लिए सेम इक्वली बेनिफिशियल है। तो आराम से ऐसे दोनों पैरों को एक दूसरे के साथ जोड़कर बैठ गए, अपने लेफ्ट पैर को घुटने से मोड़ा, सॉरी राइट पैर को घुटने से मोड़ा और इसको अपनी राइट पैर के पंजे को लेफ्ट थाई के पास ऐसे लगा लिया। अब अपने चेस्ट को अपने लेफ्ट पैर के बड़े अंगूठे की तरफ रखा है ना, सांस लिया गहरी लंबी और दोनों हाथों को इस तरीके से बाजुओं को कान के पास ले जाते हुए थोड़ा सा लीन बैक हो, जब थोड़ा सा पीछे की तरफ झुकते हैं तो क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड सीधी रहती है, आपकी पॉस्चर सही हो जाता है। सांस लिया और सांस छोड़ते हुए सामने देखते हुए अपनी लोअर बैक पर खिंचाव महसूस करें, पेट पर दबाव महसूस करें, पेट आपकी थाई की तरफ चला गया, बिग फोरहेड को अपने घुटने की तरफ ड्रॉप कर दें और अपने पैर को ऐसे पकड़ते हुए, ध्यान रखिए कि जब आप ये अभ्यास कर रहे हैं ना
तो आपके पेट पर जो दबाव आ रहा है, और अगर आप इतना सामने नहीं झुक सकते हैं तो जितना झुकें, और अगर फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करें तो सांस छोड़ते हुए हेड डाउन ऐसे 1 2 3 4 5 सांस ले लें, हेड अप कर दें। अब अगर यहाँ तक नहीं झुक सकते तो यहाँ तक होल्ड कीजिए ऐसे, यहाँ तक भी होल्ड नहीं कर सकते तो यहाँ तक होल्ड कीजिए ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे अभ्यास कर लिया। अब यही अभ्यास हम करेंगे लेफ्ट साइड, राइट पैर को खोल लिया, लेफ्ट पैर को घुटने से मोड़ लिया, लेफ्ट थाई को अपनी लेफ्ट पैर के पंजे को राइट थाई के पास ऐसे रखा, सांस लिया, सांस छोड़ते हुए अगर यहाँ तक महसूस करते हैं बेहतर यहाँ होल्ड करें, यहाँ होल्ड करें 5 सेकेंड बस ऐसे ऐसे ऐसे, और अगर बड़ा अंगूठा पकड़ सकते हैं तो पकड़े, सांस लें और सांस छोड़। जानु शीर्षासन का अभ्यास जब आप करते हैं तो इससे आपके पेट और आपके जननांगों के आसपास एक हल्का एक दबाव महसूस करते हैं जो एक मसाजिंग इफेक्ट सा महसूस होता है। यही आसन का अभ्यास मदद करता है आपके जननांगों की सेहत अच्छी रखने में। सांस लें और फिर धीरे से ऐसे मैट पर बैठ जाएं। सर्पासन वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस है पूरी की पूरी बैक मसल्स को टोन करने में, पूरी आपकी छाती ओपन करने में, ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम, स्पाइनल डिसऑर्डर रिलेटेड प्रॉब्लम, फ्रोजन शोल्डर की समस्या, गर्दन कंधे की समस्या ये दूर होगी, साथ ही आपकी लोअर बैक को भी ये बहुत मजबूत करेगी, पेट पर दबाव देगी तो सारे आंतरिक अंगों पर अच्छा खासा इसका दबाव मिलेगा। तो किस तरीके से अभ्यास करेंगे, आराम से ऐसे फिर से हम पेट के बल लेट गए ऐसे, पेट के बल लेटने के बाद आराम से अपने हेड को ऐसे ड्रॉप कर दें, दोनों पैरों को एक दूसरे के साथ ऐसे ज़रूर जोड़ के रखें, ऐसे जोड़ के रखें। अब क्या करेंगे, अपने दोनों हाथ के हथेलियों को ऐसे अपने बॉडी के पीछे लेके गए और दोनों हाथ की हथेलियों को एक दूसरे के साथ ऐसे फंसा दें ऐसे ऐसे, अगर ऐसे ऐसे दिखलाऊं, ऐसे फंसाना है ऐसे 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 फंसा दें ऐसे, और अपने हेड को ड्रॉप कर दें मैट पर ऐसे, एड़ियों को जोड़ लें, हेड को ड्रॉप कर दें, सांस लें, हेड अप चेस्ट अप, और अपने शोल्डर्स को ऐसे रोल बैक करके होल्ड करें पोस्चर 1 2 3 4 5 सांस छोड़ दें, हेड ड्रॉप कर दें, ऐसा हम दो बार और अभ्यास करेंगे। सांस लें, हेड अप चेस्ट अप 1 2 3 4 5 हेड को ऐसे ड्रॉप कर दें एक बार और, सांस लें। अब हम लास्ट बार जब अभ्यास करें कम से कम 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे, सांसों को चाहें तो नॉर्मल लेते और छोड़ते रहें, सांस लें। इस आसन का अभ्यास करते वक्त हम महसूस कर रहे हैं कि हमारे पेट की मांसपेशियों के आसपास कितना अच्छा हल्का दबाव पड़ रहा है। इस दबाव के कारण हमारे मांसपेशियां तो मजबूत होंगी पेट की ही, साथ ही हमारे जननांगों की अच्छी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। साथ ही हमारी लोअर बैक यानी कमर के निचले के पूरे हिस्सा बहुत अच्छी तरीके से टोन होगा। अब आराम से दोनों हाथों को ऐसे रिलीज कर दिया और राइट पाम लेफ्ट शोल्डर पर, लेफ्ट पाम राइट शोल्डर पर ऐसे रखा और दोनों पैरों के बीच में फासला करके क्रोकोडाइल पोज या मकर आसन में आराम करें, साइड में रख दीजिए। फिर जैसे कभी आप आराम करते हैं ना, कभी मान लें छुट्टियों में गए हैं आप और बीच पे बैठे हुए हैं, इमेजिन कीजिए बिना गोवा गए आप गोवा के बीच में बैठे हैं, आराम से ऐसे अपने दोनों एल्बो को ऐसे ड्रॉप कर दें ऐसे, ये ड्रॉप कर दिया। पहले हम अभ्यास इजी करते हैं एक एक पैर से, तो अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से मोड़ा, थाई को बेली की तरफ लेके आए ऐसे 1 2 सांस लिया, सांस छोड़ा 3 सांस लेते हुए पैर सीधा, सांस छोड़ते हुए थाई बेली की तरफ 4 ऐसे 5 ये बहुत आसान है ऐसे 6 पूरा ध्यान कहाँ पे रखेंगे आप, अपनी पेट पर, अपनी नाभि पर, नाभि के पास रखेंगे और नाभि को हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट करके रखेंगे 3 बार और, सांस लिया, सांस छोड़ा, सांस लिया, सांस छोड़ा, तो 1 बार और, सांस लिया और सांस को छोड़ दिया, होल्ड करके रखिए 1 2 3 4 5। अब राइट पैर को ऐसे सीधा कर दें, अब थोड़ा अगर थक गए हैं तो आराम से ऐसे हेड को ड्रॉप करके रेस्ट कर लें, नाक से सांस लें, मुंह से सांस छोड़ें, नाक से सांस लें, मुंह से सांस छोड़ें। अब चलें फिर से आराम से मैट पर बैठें,
सेम टेक्निक, दोनों पैरों को ऐसे बॉडी के सामने ऐसे स्ट्रेच कर लिया, दोनों पाम्स को बॉडी के साइड में रखा और एल्बो को ऐसे धीरे से ऐसे ड्रॉप कर दिया, है ना। अब लेफ्ट पैर से, राइट पैर से कर लिया, लेफ्ट पैर से सांस लिया, सांस छोड़ा 1, सांस लिया सांस छोड़ा 2, सांस लिया सांस छोड़ा 3, सांस लिया सांस छोड़ा 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। अब आराम से फिर से मैट पर लेट जाइए। इस अभ्यास से आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि आपकी पूरी के पूरे लोअर एब्डोमन यानी पेट के नीचे का हिस्सा और साथ ही सारे आंतरिक अंग और इससे जननांग सभी बहुत अच्छी तरीके से मजबूत होते हैं, स्ट्रेंथन होते हैं। पीछे रखा, एल्बोस को ऐसे ड्रॉप कर लिया। अब देखिए, अगर अब जो प्रैक्टिस मैं बता रही हूँ इसको ना कर पाए तो एक ही एक सिंगल सिंगल पैर से करें, है ना। सांस लें, दोनों पैरों को ऐसे हल्का सा मैट से उठाया और सांस छोड़ते हुए 1, सांस लें सांस छोड़ते हुए 2, सांस लें सांस छोड़ते हुए 3, सांस लें 4, सांस लें सांस छोड़े, सांस लें सांस छोड़े 7, 8, 9 and 10। अब आराम से फिर से मैट पर लेट जाए, थोड़ा रेस्ट करें। अब हमने पहले सिंगल सिंगल लेग के साथ किया, राइट से फिर लेफ्ट से, फिर दोनों पैरों को एक साथ जोड़ के किया और 10 10 किया। रेस्ट करिए।